गुमला के सभी छठ घाटों पर उगते सूर्य को अर्घ के साथ ही व्रती महिलाओं ने सुख शांति की कामना की। वहीं लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का 4 दिवसीय अनुष्ठान हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही लोगों ने जन कल्याण की कामना करते हुए इस महापर्व का समापन किया। सुबह से अर्घ देने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ छठ पूजा घाटों पर दिखी। वहीं उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही महापर्व का भव्य समापन हो गया। क्या मान्यते मांगे, क्या मान्यते? और आस्था का पर्व ध्यान ध्यान से लगाते हैं, सभी को मन्नत की पूरा करते हैं और यहाँ इस तालाब में बहुत समय से पूजा हो रहा है और यहाँ चक्कर जो मन्नत मांगते हैं पूरा नहीं होता है। और यहाँ तोरना है कि सूर्य भगवान का मंदिर बनाया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी। और चारों तरफ से यहाँ बड़े आस्था के बन तलाव में पहले के अपेक्षा हजारों की संख्या में इस बार भी लोग आए हैं और भीड़ बहुत काफ़ी है। यहाँ पूजा करने वाले को जगह इस बार नहीं मिल पा रहा है और सब मैनेज करके पूजा कर ही रहे हैं। और हम लोग ये पूजा जो बन तलाव में ये हम लोग छठ पूजा का लाइटिंग का साउंड का टेंट का सारा व्यवस्था इस बार हमारा 23 साल हो गया। पिछले 23 सालों से हम लोग ये लगातार करते आ रहे हैं।